एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप टमाटर को किस तरह से लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं। मैं बाजार से 2 किलो टमाटर खरीद के लाई थी। ये काफी पके हुए टमाटर हैं, ये देखिए, और मुझे डर है कि ये खराब हो सकते हैं, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं इन्हें सेव करने वाली हूँ, और उसके लिए सो फार जो बेस्ट तरीका मैंने अभी तक देखा है वो ये है कि उसके लिए मैं ये करूंगी कि अपने इन टमाटरों को मैं रफली चॉप कर लूंगी। ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन्हें यूं रफली चॉप कर दें। ये देखें, सब टमाटरों को मैंने यूं रफली काट लिया है। अब मैं एक बड़ी पतीली ले रही हूँ, इसके अंदर मैं ये सब टमाटर डाल दूंगी, और मुझे इसके अंदर पानी डालना है, ज्यादा नहीं। ये देखिए, ये एक ग्लास पानी था, मैंने हाफ ग्लास पानी डाल दिया है। इससे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर जब हम इन्हें पकाएंगे तो ये अपना पानी छोड़ेंगे। अब इसको मैं पकने के लिए रख रही हूँ, और मैं इतनी देर इनको पकाऊंगी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, वो हमें देखने में थोड़े घुले हुए लगे। जी, तो आप देख रहे हैं कि ये टमाटर हमारे घुल गए हैं, इसके अंदर ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है। ये देखिए, इतना सा होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी इसे बीट करना है, और इसको मैंने ठंडा भी कर लिया है। अब मैं हैंड बीटर ले रही हूँ, अब मैं इसे बीट करने वाली हूँ। जी, तो आप देख रहे हैं कि टमाटरों को मैंने हैंड बीटर के साथ बीट कर लिया है। इसमें कहीं कहीं आपको बीज नज़र आ रहे हैं, ये देखिए, ये होने चाहिए, क्योंकि इससे एक फ्रेश टमाटो की लुक आएगी। अब इस प्यूरी को मैं एक आइस क्यूब ट्रे ले रही हूँ, और इसके अंदर मैं यूं फिल कर लूँगी, और इसे मैं फ्रीज कर लूँगी। टमाटो प्यूरी को मैंने इन आइस क्यूब ट्रे में डाल लिया है। इन्हें मैं थोड़ा डैप करूँगी, ताकि अगर कोई बबल्स हैं वो निकल जाएं, और इन्हें मैं ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रख दूंगी, और उसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। जी, तो आप देख रहे हैं, मैंने इन्हें ओवरनाइट फ्रीज कर लिया है, और ये अच्छे से फ्रीज हो गई हैं। अब मैं इन्हें डीमोल्ड कर लूँगी, और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से फ्रीज हो गए हैं। एक क्यूब जो है वो आप इसे एक मीडियम साइज का टमाटर समझ सकते हैं, जहाँ भी आपको ज़रूरत है इस हिसाब से आप इन्हें डाल सकते हैं। अब इनको फ्रीज करना है, इन्हें आप अपने तरीके से फ्रीज कर सकते हैं। मैं जिप्लॉक बैग में करती हूँ, तो मैं इसमें डालकर इन्हें फ्रीज कर लूँगी। आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में रखें, और हमारे वो टमाटर जो 1, 2 या 3 दिन में ख़राब हो सकते थे, अब हम उन्हें चाहें तो 6 महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। बस आप इन्हें फ्रीज़र में रखें, जब भी आपको ज़रूरत है 1 या 2 क्यूब निकालें और इन्हें यूज़ कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में अपने चैनल पे ऐसी बहुत सी रेसिपीज़, बहुत सी टिप्स, बहुत सी ड्रिंक्स के साथ मैं फिर से आऊँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।